जैसे कि हमने आलू गिना, इसमें 23, मतलब आलू का जो संख्या है बहुत ही अच्छा है। इसके लिए हमने जो जो पोषक तत्व दिया था उसका काम किया है। अभी आलू का संख्या बढ़ गया, हमारे पास 23 आलू है। अब हम इसमें टाइम हो चुका है, इसका जो समय है अभी, इसमें हमको ऐसा क्या इस्तेमाल करना है जिससे कि इसका साइज बढ़ जाए। अगर साइज बढ़ गया तो सीधी सी बात, एक एक पेड़ में लगभग अब आपका 700 से 800 ग्राम तक आलू होगा। किसान भाइयों, अगर आप आलू का खेती किए हैं और उसका लगभग 50 से 60 दिन हो चुका है आलू के खेती का, तो उस समय आपको कैल्शियम नाइट्रेट, लिहोसिन तथा एनपीके 0:52:34 का इस्तेमाल करना है। लेकिन इसका इस्तेमाल कब करना है, कैसे करना है और इसका क्या आलू पे क्या रिजल्ट होगा, क्या इसका लॉजिक है जिससे कि आलू का साइज बढ़ेगा, इसी से संबंधित आज का यह वीडियो है। इसीलिए जो किसान भाई आलू का खेती कर रहे हैं और उनका 50 से 60 दिन खेती का हो चुका है, वो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आपको इसका अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं नवीन और आप सभी का हमारे चैनल किसान ऑफिस में हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आलू का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमको आलू का संख्या को बढ़ाना है, साथ साथ आलू का साइज को बढ़ाना है। जैसे कि दूसरे फसल में, जैसे सरसों में अगर हम उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, तो सरसों का जितना ज़्यादा शाखा निकलेगा और शाखा में जितना ज़्यादा फलिया बनेगा, तभी सरसों का उत्पादन भी बढ़ेगा। लेकिन आलू में जस्ट हमारा विपरीत है, इसमें जो वनस्पतिक वृद्धि है इसको रोकना है और आलू के संख्या को बढ़ाना है, और साथ ही साथ जितना संख्या में हमारा आलू होगा उसका साइज को बढ़ाना है। जैसे कि हम आपको दिखाएंगे, अभी देख सकते हैं, देखिए हम एक आलू निकाल रहे हैं, इसमें हम गिनेंगे कितना संख्या में आलू है। तो किसान भाई, वो सबसे पहले मैं बताऊंगा, जैसे कि देख सकते हैं आलू है, इसमें देखिए इसका जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, जो वनस्पतिक वृद्धि है, बहुत ज्यादा हो चुका है और बिल्कुल हरा है। इसमें आपको दिखाऊंगा नजदीक से, देखिए इसमें अब भी इसका वनस्पतिक वृद्धि होने का भरपूर चांस है। इसमें अभी भी इसमें देखिए बड निकल रहा है, इसका कली निकल रहा है, ये बढ़ते जाएगा। अगर सीधी सी बात है, आलू में अगर इस तरह से वनस्पतिक वृद्धि होते रहेगा, तो जो प्रकाश संश्लेषण करके जो आलू का पौधा भोजन तैयार कर रहा है, वो पूरा इसका जो पौधा है वही अवशोषित कर लेगा और आलू जो नीचे कंद है उसको बिल्कुल भी भोजन नहीं मिलेगा, तो उसका साइज नहीं बढ़ेगा। इसीलिए हमको सबसे पहले जो आलू का वनस्पतिक वृद्धि है उसको रोकना है। इस स्थिति में यूरिया का आपको बिल्कुल छिड़काव नहीं करना है, ना ही लिक्विड में, ना ही दानेदार यूरिया का छिड़काव करना है। और आलू का वनस्पतिक वृद्धि रोकने के लिए हमको एक हार्मोन है जो मार्केट में आपको मिल जाएगा लिहोसिन नाम से, वह 250 ml का पैकेट है जो लगभग 500 रुपये के आसपास में मिल जाएगा, और उसका 3 से 4 ml पर टंकी पानी में मिलाकर स्प्रे करना है। जो 15 लीटर वाला टंकी है उसमें 3 से 4 ml दवा को मिलाना है लिहोसिन को, और खेतों में स्प्रे करना है। लिहोसिन को जब इस्तेमाल कर लेंगे तो इससे यह होगा कि जो इसका वनस्पतिक वृद्धि है यह रुक जाएगा, और वनस्पतिक वृद्धि जब रुक जाएगा तो पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन तैयार करेगा वह भोजन सीधा आलू के कंद में जाएगा और आलू का साइज बढ़ेगा। दूसरे नंबर का जो तत्व है उसमें हम बात करेंगे कैल्शियम नाइट्रेट। यह मार्केट में आपको विभिन्न कंपनी का मिल जाएगा, जो लिक्विड फॉर्म में है उसमें 50 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट को लेके 15 लीटर वाले टंकी में घोल तैयार कर इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा, इसमें कैल्शियम और नाइट्रोजन दोनों रहता है, इससे पौधों की इसका पूर्ति हो जाएगा। जो कैल्शियम है वह आलू के साइज को बढ़ाएगा तथा आलू में उष्मा प्रदान करेगा, ठंडे के दिनों के लिए आलू को बहुत ही अच्छा राहत मिलेगा। अब तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे NPK 0:52:34। जी हाँ किसान भाई, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। आलू का जो 50 से 60 दिन उम्र जब हो जाता है, उस समय के लिए यह तत्व स्प्रे करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसको आप जो 15 लीटर वाला टंकी है उसमें 100 ग्राम 0:52:34 को घोल तैयार कर स्प्रे करना है, और जब तक आपका आलू का खुदाई ना हो जाए, जब तक हार्वेस्टिंग ना हो, तब तक हर 7 दिन में 0:52:34 का इस्तेमाल कीजिए। इससे कुछ खर्च आपको ज़रूर होगा, लेकिन इससे आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। जो हमारे पास ये आलू है, आप सोचिए 10-15 ग्राम का आलू है, अगर यह लगभग अगर 70-80 ग्राम हो जाता है तो आपका 7 से 8 गुना इसका उत्पादन बढ़ जाएगा। जहाँ भी 100 ग्राम है, अगर इसका सही रिजल्ट आया, मैं जो जो तत्व के बारे में बताऊँ इसका इस्तेमाल करेंगे, तो लगभग 700 से 800 ग्राम एक पौधा में आलू
जरूर होगा।